गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 6 विच इज क्लीननेस। क्लीननेस का मतलब किसी चीज़ का साफ सफाई रखना, किसी भी चीज़ का, लाइक एज आप खुद का साफ सफाई का ध्यान रखते हो, अपने घर का, तो किसी भी चीज़ का ध्यान रखना इज कॉल्ड क्लीननेस। ठीक है, और क्लीननेस क्या होनी चाहिए, हमारी हैबिट में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अपनी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम अपने यहाँ खुद की साफ सफाई रखेंगे, अपने आसपास की साफ सफाई रखेंगे, तो हमारे पास कोई भी जर्म्स नहीं आ पाएंगे। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी डिजीज यानी कोई भी बीमारी नहीं आ पाएगी। सो पहला पॉइंट है हमारा टॉयलेट हैबिट। टॉयलेट हैबिट में क्या है, डेवलप हेल्दी टॉयलेट हैबिट। ठीक है, जब भी आप टॉयलेट जाते हो, ठीक है, हमेशा फ्लश यूज़ करो, टॉयलेट में पानी डालो। ठीक है, और इसके बाद अपने जब बाहर आते हो तो अपने हाथ साबुन से और पानी से धोने चाहिए। साबुन यूज़ करो या हैंड वॉश यूज़ करो, वो आप पर है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीन टीथ। सो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में ब्रश करना एक अच्छी आदत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारे मुंह में ही होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है, अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारे जर्म्स जो मुंह में होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं ब्रशिंग के थ्रू, और हमारे पेट में नहीं जा पाते। अगर वो हमारे पेट में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं हमारे अंदर। ठीक है, जब भी ब्रश करो, पहले अप डाउन, फिर बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे पीछे, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से आपको अपनी बुक में बताया गया है कि आपको किस तरीके से ब्रशिंग करनी चाहिए। आपको रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, ताकि जितना भी आपने जो भी खाया है उसके कीटाणु आपके मुंह के अंदर ना बने और आपका मुंह साफ रहे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ बाथ एवरी डे। मतलब हमें अपनी स्किन को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए और अपनी रब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, ताकि आपका पूरी बॉडी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। और नहाने के बाद एक क्लीन टॉवल से, यानी एक अच्छे साफ टॉवल से आपको अपनी बॉडी को पानी को जो लगा हुआ था पानी, उसको सुखाना चाहिए। उसके बाद आपको अपने क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन हेयर। अच्छा, आप नहा ले, अपने अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन अगर आपने बाल नहीं बनाए तो क्या होगा, गंदे दिखोगे, डेफिनेटली आप गंदे दिखोगे। तो आपको जब भी आपको आप नहाते हो, आप अपने बाल शैम्पू करो। ठीक है, शैम्पू करने के बाद उसमें तेल ऑयल लगाओ। ऑयल लगाने के बाद में कॉम से यानी कंघे से अपने बाल बनाओ, और वो अपना आपका कंघा भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन आईज। सो इन सब चीज़ों के अलावा आपकी आंखें भी तो साफ रहनी चाहिए। ठीक है, बाय, आप क्या करो, जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपना मुंह धो ब्रशिंग करने के टाइम, और अपनी आंखें धो। लेकिन अपनी आंखों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, रगड़ते हो तो क्या होता है कि आपकी आंखों में क्या होता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप अपनी आंखों को कभी भी रगड़ो मत। क्लीननेस का अगला पॉइंट है क्लीन ईयर्स। ठीक है, आपको कॉटन बड्स आते हैं ना हमारे, कॉटन बड्स से आपको अपनी कान को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे साफ करना चाहिए। लेकिन कभी भी कोई भी तीखी चीज़ अपने कान में नहीं डालनी चाहिए, इससे क्या होता है, आपके कान का पर्दा फटने का डर रहता है। ठीक है, क्लीन नोज। जब भी आपको जुकाम लगा है, आपकी नोज ब्लो कर रही है, तो क्या करना चाहिए, आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए, यानी आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए, मीन्स रुमाल यूज़ करना चाहिए। कभी भी नाक में उंगली मत डालो, क्योंकि उसमें भी तो क्या होता है, आपके हाथ में जम्स लगे होते हैं, फिर आपके नाक में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको हमेशा रुमाल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन नेल्स। ऑफकोर्स आपको हर वीक अपने नेल्स काटने चाहिए, हमेशा नेल कटर यूज़ करो, कभी भी ब्लेड वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ मत करो। इससे क्या होता है कि आपके कहीं भी कटने का डर रहता है, तो आप हमेशा क्या यूज़ करो,
नेल कटर। हमेशा खाना खाने से पहले अपना हाथ धो और खाना खाने के बाद भी अपने हाथ धोने चाहिए, और क्या करना चाहिए, कुल्ला भी करना चाहिए, ठीक है, जब भी आप खाना खाते हो खाना खाने के बाद में। और वी मस्ट कीप आर पर्सनल थिंग्स क्लीन एंड टाइडी। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जितनी भी अपनी पर्सनल चीज़ें उन्हें साफ साफ रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम गंदे कपड़े पहनते तो हम खुद भी गंदे दिखते हैं, स्मार्ट नहीं दिखते, ठीक है। और कभी भी अपने गंदे हाथ अपने कपड़ों पर मत मस लो। रब करते हो तो क्या होता है कि आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें लग जाती है जो आपका कपड़ा साफ, आपकी ड्रेस साफ नहीं होती। तो कभी भी गंदे हाथ अपनी ड्रेस पर मत लगाओ और हमेशा क्लीन कपड़े पहनो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमेशा अपनी बुक्स और नोटबुक्स को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। कवर चढ़े हुए होने चाहिए, उसका पेज फोल्ड नहीं हुआ होना चाहिए। तो इससे क्या लगता है कि आपका बैग भी एक अरेंज, आपका बैग भी क्या होता है, अरेंज होना चाहिए, ठीक है। बुक्स के लिए अलग जगह पोर्शन और नोटबुक्स के लिए अलग, और जो आप भी पेंसिल वगैरह हो गया तो इनको क्या करना चाहिए, ज्योमेट्रिक बॉक्स में रखना चाहिए, ताकि आपकी बुक्स और नोटबुक्स क्या हो, ख़राब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप खेलते हो, आपकी बुक्स हैं, आपके बैग्स हैं, उनको एक प्रॉपर जगह पर, यानी एक सही जगह पर रखो। अगर इधर उधर बिखेर दोगे तो जिससे क्या होगा, आपका घर भी गंदा लगेगा डेफिनेटली, और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग, पॉलिश योर शूज रेगुलरली। आप जब भी स्कूल जाते हो या कहीं भी किसी फंक्शन में जाते हो तो हमेशा अपने शूज़ को पॉलिश करके रखो। स्कूल आप डेली जाते हो, ठीक है, स्कूल जाते टाइम अपने शूज़ को हमेशा पॉलिश करके लेके जाया करो। नीट एंड क्लीन पहन, जैसे टाई पहनी, ठीक है, अगर सर्दियों का मौसम है तो ब्लेज़र पहन लिया। शूज़ क्लीन होने चाहिए, मैच होने चाहिए आपकी ड्रेस से। तो इस तरीके से क्या करते हो ना, तो आप बहुत ही लुक, आप यू लुकिंग वेरी स्मार्ट, आप बहुत ही स्मार्ट दिखते हो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से रहते हो तो, ठीक है। तो अब हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें खुद साफ रहना है, सुरक्षित रहना है, कोई वायरस वगैरह नहीं आने देना है अपने पास, तो डेफिनेटली हमें क्या रखना चाहिए, हमारे आसपास क्लीननेस रखनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ वीक। हमें एक दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, कब, मॉर्निंग में और नाइट में। कीप आवर थिंग्स एट अ प्रॉपर प्लेस, एक सही जगह पर, ठीक है। कट योर नेल्स। नेक्स्ट इज ए फिल इन द ब्लैंक्स, वी मस्ट ऑलवेज कीप क्लीन, हमें साफ रहना चाहिए। अ डेली बाथ हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ठीक है। वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड द बेड टाइम, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर टॉयलेट। नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स हैं, तो क्या हमें अपनी बॉडी को गंदा भी हम साफ नहीं रखना चाहिए, नहीं, गलत बात, साफ रखना चाहिए। हमें जब भी हमारी नाक बह रही है तो हमें हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए, रुमाल यूज़ करना चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। हमें हमारे गंदे हाथों को कपड़ों पर नहीं रगड़ना चाहिए, नहीं, हाँ, नहीं रगड़ना चाहिए। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स डेली, यस, ठीक है, ट्रिम तो करना चाहिए, कट आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि हेयर्स के लिए कॉम्ब यूज़ करते हैं, तो आपको बाकी खुद मैच करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में करना है, नोटबुक में इसको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो चीज़ बतानी है जो गलत है, ठीक है। क्लीन योर ईयर्स जेंटली विथ कॉटन, गलत तो मैच स्टिक है ना, माचिस की तीली से तो नहीं साफ करना चाहिए। और वाइल बाथिंग रब सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कुछ पार्ट्स को नहीं, ऑल पार्ट्स को, तो जो गलत है ना उसको ऊपर, उसके ऊपर क्या करना है, हमें क्रॉस लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अ हाउस इज मस्ट, यानी एक घर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक इंसान के लिए। सो क्लास फर्स्ट, दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 6, क्लीननेस।